नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला, शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। टाटा मोटर्स कंपनी के कॉन्वॉय चालक न्यूनतम वेतन की मांग पर फिर से आंदोलन की राह पर। अक्टूबर से इनके द्वारा जिला मुख्यालय में शुरू किया जाएगा अनशन। पिछले दो वर्षों से कर रहे हैं आंदोलन। जमशेदपुर के घाघट स्थित बाल सुधार गृह से गायब हैं 22 बच्चे। मानव आयोग की टीम ने किया है ये खुलासा। जैसे ही बाल सुधार गृह की शुरू हुई जांच, अधिकारियों में मची हड़कंप। NH-33 का नामकरण कांग्रेस ने किया, भाजपा हड्डी तोड़ सड़क। पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा, NH का टेंडर हुआ कांग्रेस के समय, कांग्रेस कर रही है ओछी राजनीति। खस्ता हाल NH-33 को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। शहर के निजी स्कूल बस सेवा शुरू करने में अपना रहे हैं उदासीन रवैया, जबकि स्वयं उपायुक्त द्वारा स्कूलों को बस सेवा शुरू करने का दिया गया है आदेश। अभिभावक संघ द्वारा इस मुद्दे पर किया गया जिला मुख्यालय में प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स कंपनी के कॉन्वॉय चालकों द्वारा एक बार फिर से न्यूनतम वेतन मांग की मांग पर सड़क पर आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। अगले 1 अक्टूबर से इनके द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन अनशन किया जाएगा। गौरतलब हो कि लगभग पिछले दो वर्षों से ये कॉन्वॉय चालक अपने न्यूनतम वेतनमान की मांग पर आंदोलन कर रहे हैं, और इसके लिए पूर्व में भी इनके द्वारा अनशन किया गया था, लेकिन उस पर केवल आश्वासन ही मिला था। इनके अनुसार जिले के उपायुक्त के द्वारा कंपनी प्रबंधन को न्यूनतम वेतन लागू करने के आदेश भी दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी कंपनी अपनी मनमानी कर रही है और सरकारी आदेशों की अवहेलना किया जा रहा है। अब फिर से इसी के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन इनके द्वारा किया जाएगा। 1 अक्टूबर से पुनः एक बार हम लोग आंदोलन से जा रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी जिला प्रशासन का आदेश, कानवाई चालकों के हक में कोई भी आदेश आज लागू नहीं हुआ। जिला प्रशासन को टाटा मोटर ने ठेंगा दिखाया है और प्रशासन की ओर से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, उसी को लेके हम लोग यहाँ बैठने जा रहे हैं। पुनः एक बार कानवाई चालक टाटा मोटर टाटा घराने के खिलाफ बैठने जा रहा, प्रशासन को इस बात का एहसास कराने जा रहा है कि जिस तरह प्रशासन अन आदेशों पर अपना कार्रवाई करती है, टाटा मोटर के साथ अगर उसने ये आदेश से कार्रवाई नहीं की है तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से प्रेरित ये मैटर है और समाज को हम लोग एक संज्ञान में देने के लिए आंदोलन हो रहा है। जमशेदपुर के घाघट स्थित बाल सुधार गृह से 22 बच्चे गायब हो गए हैं। वैसे ये खुलासा मानव आयोग अधिकार की टीम ने किया है। 2 सदस्यीय टीम जमशेदपुर पहुंची और जैसे ही बाल सुधार गृह की जांच शुरू हुई कि अधिकारियों में हड़कंप मच गई। आपको बता दें कि 2013 में इन बच्चों को बाल सुधार गृह में रखा गया था। वैसे एक एनजीओ और झारखंड मानव अधिकार ने मानव आयोग को एक पत्र लिखकर बाल सुधार गृह की स्थिति और बच्चों के बारे में जानकारी दी। उसके बाद मानव अधिकार आयोग दिल्ली के असिस्टेंट रजिस्ट्रार मुकेश कुमार 2 लोगों के साथ मामले की जांच करने शहर पहुंचे। उधर जांच के दौरान चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वैसे 2013 में जो 22 बच्चे को रखा गया था, उस बच्चों का लिस्ट में कोई जगह नहीं है। हालांकि मानव आयोग की टीम ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर 22 बच्चों के गायब होने के पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की बातें कही है। वैसे मानव आयोग के इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है और प्रशासन पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। वैसे देखने वाली बात यह होगी कि 22 बच्चे गायब मामले में प्रशासन क्या कदम उठाती है। वैसे इस मामले में प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। एक्चुअल में जो बाल सुधार गृह है, यहाँ पर कई बार बहुत सारे बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ बच्चे जो भटक जाते हैं, अनाथ बच्चे होते हैं, ऐसे भी आते हैं। तो इस संबंध में अभी NHRC की टीम आई हुई है और वो जांच भी कर रही है कि करीब करीब 22 बच्चे हैं जो 13 में थे, और उन बच्चों को अभी जब उनको मिलान किया गया और लिस्ट में वो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, और उन बच्चों के बारे में शायद जिला प्रशासन या वहाँ के जो प्रबंधन है वो सही खबर भी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये मामला अब तो जांच का विषय बनेगा कि वो बच्चे हैं कहाँ, उनके माता पिता उनको ले गए या कोई और। कितना गंभीर मामला है अगर ये मामला काफ़ी गंभीर है, क्योंकि जो जेल होता है एक्चुअली उसमें हम लोग सुधार गिरी कहते हैं, वो चाहे बच्चों का हो चाहे जो मेल एडल्ट का होता है,
तो सुधार गृह में मंशा होती है सरकार की या हमारा समाज का कि वहाँ जो जाए उनमें सुधार आ जाए, न कि वो अपराधी बन जाए। जमशेदपुर में एनएच 33 की बदहाली पर जहां कांग्रेस कई बार आंदोलन कर चुका है, वहीं भाजपा ने इसे ओछी राजनीति करार दिया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने 16 सितंबर को एनएच 33 पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और एनएच 33 का नामकरण करते हुए उसे भाजपा हड्डी तोड़ सड़क का नाम दिया। वहीं इस पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के समय में ही एनएच 33 का टेंडर हुआ था। उन्होंने कहा कि इस मामले में अब तो माननीय उच्च न्यायालय हस्तक्षेप किए हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस को ओछी हरकत और सस्ती राजनीति नहीं करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार इस पर गंभीर है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को नहीं दिख रहा है कि अब झारखंड में सड़कों का जाल बिछा हुआ है और राज्य का चौतरफा विकास हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से दिशाहीन हो चुकी है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि जब यूपीए का शासन था उसी समय NH-33 का जो है वो टेंडर हुआ था, निविदा हुआ था। वो NDA के शासन में उसका निविदा नहीं हुआ था, लेकिन वो आज तक सड़क नहीं बना। आज स्थिति यह है कि माननीय उच्च न्यायालय उसमें हस्तक्षेप किए हुए हैं, माननीय उच्च न्यायालय उसको मॉनिटरिंग कर रहा है। ओछी हरकत नहीं करनी चाहिए कि ओछी मानसिकता की सड़क पर जाके लिख दें कि हड्डी तोड़ सड़क, इस तरह का मजाक करना जो है मैं समझता हूँ राजनीति में इससे सस्ती लोकप्रियता का एक नमूना है। केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार पूरी मजबूती से, और हमारे मुख्यमंत्री रघुवर दास जी स्वयं काफ़ी चिंतित होकर के इसके काम के लिए इस काम को तेजी से कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सड़क ये बन जाए। आज देखें झारखंड में जितनी सड़कें बनी हैं, सड़कों का जाल बिछ गया है इतना। इसके पहले UPA सरकार में लोग बताएं, आंकड़ा देख के बताएं कभी इतना सड़क बना हो। जमशेदपुर अभिभावक संघ ने शहर के निजी स्कूलों द्वारा बस सेवा शुरू नहीं किए जाने के खिलाफ जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया, साथ ही साथ इन सभी स्कूलों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। गौरतलब है कि पिछले दिनों जब स्कूली वाहन चालक ओवरलोडिंग के मामले में प्रशासनिक सख्ती के खिलाफ हड़ताल पर चले गए थे, उस वक्त जिले के उपायुक्त ने स्कूल प्रबंधनों को सख्त आदेश दिया था कि एक माह के भीतर स्कूल बस सेवा शुरू करें, लेकिन ये समय सीमा बीतने पर भी इस पर किसी स्कूल प्रबंधन ने कोई पहल नहीं की। इसी के खिलाफ अभिभावक संघ ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन बस सेवा शुरू नहीं कर रही है और स्कूली वाहन चालक भाड़े में बढ़ोतरी कर फिर से ओवरलोडिंग कर रहे हैं। इस पर सख्त प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए और फिर से ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाया जाना चाहिए, साथ ही साथ स्कूल प्रबंधनों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने चाहिए। माध्यम से पिछले 8 महीनों में 5 बार आदेश दिए गए जमशेदपुर के निजी स्कूलों को बस संचालन शुरू करने, लेकिन अब तक निजी स्कूल प्रबंधन इसी संजीदा नजर नहीं आ रहे बस संचालन के संबंध में। सब इसका खामियाजा अभिजीत जैसे बच्चों को जान लेकर चुकानी पड़ती है। अभिभावक दोहरी मार झेलने को मजबूर हैं। एक तरफ बच्चे जो हैं निजी लोडेड असुरक्षित वाहन में स्कूल जाने के लिए मजबूर है, दूसरी तरफ ओवरलोडिंग होने के बावजूद भी बच्चे कम करने की बात करके निजी वाहनों चालकों द्वारा 150 रुपये से 500 रुपये तक की वृद्धि कर दी गई, और स्कूल प्रबंधन तो इससे आगे है। जबकि झारखंड के अन्य शहरों में 600 से 750 रुपये पर 10 किलोमीटर पर किराया है, और यहाँ पर जमशेदपुर के निजी स्कूल प्रबंधन 1 किलोमीटर का 1500 रुपये मांग रहे हैं। जमशेदपुर अभिभावक संघ इन मुद्दों पर उपायुक्त महोदय से मांग करने आया है। पहला कि जो ओवरलोडिंग हो रही है उस पर अविलंब जांच अभियान शुरू किया जाए। दूसरा, जो निजी वाहनों चालकों द्वारा जो 150 रुपये से 500 रुपये तक की वृद्धि की गई है उस पर रोक लगे। और तीसरा जो है, वैसे स्कूल प्रबंधन जो बस समय तय सीमा में बस सेवा शुरू नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई करने का उनके माध्यम। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। बेटी घर की लक्ष्मी, सपने करे साकार। सुकन्या समृद्धि योजना, लाभ ले जब परिवार। सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए शुरू की गई एक विशेष योजना है, जिसका मकसद है बेटियों की उच्च शिक्षा और शादी में आने वाले आर्थिक संकटों से निजात दिलाना। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस में अपने बेटियों के नाम एक खाता खुलवाकर उसमें एक निश्चित राशि 14 वर्षों तक जमा करानी है, जिस पर आपको मिलता है 9.2% का ब्याज। इतना ही नहीं, इस योजना से मिलने वाली राशि पूरी तरह से कर मुक्त है। बेटियां बेटों से कम नहीं, बेटियां समृद्धि की प्रतीक हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस से संपर्क करें।
सामाजिक सुरक्षा का हुआ विस्तार, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और अटल पेंशन योजनाएं लेकर आई सरकार। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपए के वार्षिक प्रीमियम पर पाएं 2 लाख का दुर्घटना बीमा। 18 से 70 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोगों को मिलेगा इसका लाभ। वहीं 330 रुपए की वार्षिक प्रीमियम पर जीवन ज्योति योजना का लाभ उठाएं। इस योजना में भी होगा 2 लाख का बीमा। 18 से 50 वर्ष तक के आयु वर्गों के लोग बीमा कराएं। अटल पेंशन योजना में है खास बात, जब आप होंगे 60 साल के तो निर्धारित जमा राशि में से मिलने लगेगी पेंशन। उम्र की सीमा है 18 से 40 वर्ष तक। के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर के गरम नाला गोदाम से विस्थापित 40 परिवार के लोगों का लगातार दूसरे दिन जिला मुख्यालय के समक्ष धरना जारी रहा। इनके द्वारा स्थायी निवास की मांग जिला प्रशासन के समक्ष उठाई गई है। गौरतलब है कि इनके द्वारा लगभग 50 वर्ष पूर्व से उक्त गोदाम में निवास किया जाता था और सभी टाटा कंपनी के एक ठेकेदार के यहाँ कार्य करते थे और बाद में इस गोदाम को खाली करवाने को लेकर टाटा कंपनी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कई वर्षों बाद फैसला कंपनी के पक्ष में आया, जिसके बाद यहाँ रह रहे परिवार को वहां से खाली करवा दिया गया। यहाँ से विस्थापित लोगों के अनुसार उन्हें खाली करने के लिए समय तक नहीं दिया गया और उन्हें सामानों के साथ बाहर कर दिया गया। इसके खिलाफ इनके द्वारा जिला मुख्यालय के समक्ष धरना दिया जा रहा है, साथ ही अपने लिए स्थायी आवास की मांग जिला प्रशासन के समक्ष रखी गई है। 20 तारीख को 12:30 बजे अचानक से आते हैं, बोलते कि स्टे ऑर्डर है। जौहर नहाले से लोग आए थे, उसके बाद अटैचमेंट से आए थे, पूरे घर को तोड़ फोड़ करके 5 मिनट समय नहीं दिया गया। हम लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किए कि हमारे समय दिए 3 दिन, कम से कम हम लोग बच्चों को संभाल सके। हम और आज जब हम लोग किसी ने कोई सुनवाई नहीं की, हम लोग सभी राय जी के पास गए थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया लेकिन सुनी नहीं है। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग ये धरना कृषि ऑफिस के सामने दिए हैं, ताकि हम लोग को ध्यान उन पर जाए, दया आए। हम लोग कोई डिमांड नहीं है, हम लोग रुपया पैसा खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, बस इतना करें कि हम लोग 98 वर्ष से जो हम लोग वहाँ में रह रहे थे, हम लोग कहीं भी अस्थायी रूप से बसाया जाए, ताकि हम अपने बच्चों को परवरिश कर सकें। जमशेदपुर में झारखंड आंदोलनकारी मंच के तत्वावधान में आंदोलनकारियों को पेंशन तथा उन्हें उचित सम्मान दिए जाने की मांग पर विशाल प्रदर्शन रैली निकाली गई। साथ ही जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री को मांग पत्र भी सौंपा गया। ये रैली आमबगान मैदान से निकलकर जिला मुख्यालय तक पहुंची, जहां ये प्रदर्शन में तब्दील हो गई। इस दौरान इन्होंने आंदोलनकारियों को संपूर्ण न्याय दिए जाने की मांग उठाई। इन्होंने कहा कि पूरे राज्य में आंदोलनकारियों को अब तक संपूर्ण रूप से चिन्हित नहीं किया गया है, जिस कारण से आंदोलनकारी अपने हक से वंचित है, जिस पर कार्रवाई करते हुए इस कार्य में तेजी लाना चाहिए। साथ ही साथ आंदोलनकारियों को ताम्रपत्र देकर सम्मानित किए जाने की योजना को अब तक जिले में लागू नहीं किया गया है, जिससे सभी आंदोलनकारी नाराज हैं। इन दोनों मुद्दों पर समाधान की मांग इनके द्वारा राज्य के मुख्यमंत्री के समक्ष उठाई गई। आंदोलनकारी मंच के बैनर तले यहाँ उपस्थित हुए और आज हमारे कोल्हान प्रमंडल में अब तक जो है 4,652 आंदोलनकारियों का पहचान अब तक नहीं हो पाई,
और चूंकि हमारे इस जिला में 131 आंदोलनकारियों को पेंशन लागू हुई है, लेकिन इसके बाद का 72, 20 और उसके बाद 20 फिर 3 का जो पहला दूसरा तीसरा और चौथा सूची जो आई उनका पेंशन और साथ ही साथ एरियर हमारे इस जिला का 1,15,00,000 के लगभग हो चुका है। 2012 में कैबिनेट ने पास किया था कि जितने भी आंदोलनकारी हैं उन लोगों को ताम्रपत्र दिया जाएगा, लेकिन हमारे जिला में किसी भी आंदोलनकारी को ताम्रपत्र नहीं मिला। जमशेदपुर के छोटा गोविंदपुर स्थित पुराना थाना रोड का हाल इन दिनों बेहद खराब है। पूरा सड़क कीचड़ में तब्दील हो चुका है और इसी को पार कर यहाँ के लोग यातायात कर रहे हैं, लेकिन इसे दुरुस्त करने की दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है। ये सड़क है छोटा गोविंदपुर इलाके का, जहाँ अमूमन बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन लगा रहता है। इस सड़क से बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों का आवागमन भी होता है। सड़क की हालत इन दिनों ऐसी है कि मानो यहाँ दलदल सा बन गया है। सड़क की ऐसी स्थिति होने के कारण आए दिन लोग यहाँ दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इसे दुरुस्त करने की दिशा में कोई पहल नहीं की जा रही है। स्थानियों के अनुसार सड़क निर्माण की मांग मंत्रियों से लेकर जिले के तमाम आला अधिकारियों के समक्ष उठाई गई है, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें बोलना क्या है, बद से बदतर स्थिति होती जा रही है। रोज इतने बच्चे आना जाना करते हैं, गिर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर का गलती बोलिए या सरकार की गलती बोलिए तो बोला नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं सब जिम्मेदार है इस रोड के लिए। लेकिन पब्लिक बार बार बोल रही है, हर जगह हम लोग गए हैं लेकिन किसी से कुछ हो नहीं रहा। और पर डे हम लोग इसी माना जाना करता है, बड़े गाड़ी तो जैसे तैसे पार हो जाते हैं, लेकिन हम लोग बाइक से जाते हैं, गिरते हैं रोज, कोई ना कोई यहाँ गिरते ही है। 2,000-3,000 बच्चे वीक स्कूल के जाते हैं, तो बद से बदतर स्थिति होते जा रही है। इसके बारे में और क्या बोले हैं। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एएमजी न्यूज के साथ। मेरी पढ़ाई और शादी की चिंता छोड़ो, क्योंकि हमारी पढ़ाई और शादी की फिक्र रघुवर सरकार की कई योजनाओं ने दूर कर दी है। और अब रही तुम्हारी बात, कुछ पता है सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? क्या किया है सरकार ने? सरकार ने फसल बीमा योजना शुरू की है। फसल बीमा योजना? हाँ, फसल बीमा योजना। इसमें रबी की फसल पर मात्र 1.5%, खरीफ पर 2%, बागवानी पर 5% और तिलहन पर 1.5% तक की प्रीमियम दो और बाकी की राशि राज्य व केंद्र सरकार देगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, यह सभी किसानों के लिए, चाहे वो बटाई पर खेती करता हो या उनका खुद का खेती का कारोबार हो। हम करेंगे खेती, लाभ लेंगे फसल बीमा का। जब सरकार है हमारे साथ तो फिर क्या कष्ट जिंदगी का। अरे गौरी, जल्दी करो। आई बाबा, आई। पापा। बेटा। ठीक से रहना। हाँ, बाय। मेरे मम्मी पापा जब भी बाइक से बाहर जाते हैं वो दोनों हेलमेट जरूर लगाते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? अगर नहीं तो आज से ही हेलमेट पहने, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अपनों के लिए अनमोल है।
ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। जमशेदपुर में गंडा समाज द्वारा नुआखाई महोत्सव का आयोजन 23 सितंबर को रिगल मैदान में किया जा रहा है, जिसमें उड़ीसा के संबलपुर से आए कलाकार शहर में अपनी प्रस्तुति देंगे और उड़िया संस्कृति की झलक यहां देखने को मिलेगी। एक वार्ता के दौरान समाज के लोगों ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि नुआखाई पर्व पूरे पश्चिम उड़ीसा में मनाया जाता है और नए खेती की खुशी में इस पर्व को मनाई जाती है। इस आयोजन में संबलपुर इलाके से कलाकार पहुंचेंगे और अपनी प्रस्तुति देंगे। समाज के लोगों के अनुसार इस तरह के आयोजन से समाज में एकजुटता आती है और समाज के लोग अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं। सितंबर को नुआखाई ज्वार भेंट कार्यक्रम होने जा रही है, जो राज क्लब गोंडा समाज द्वारा आयोजित है, और इस नुआखाई ज्वार भेंट पे संबलपुरी सांस्कृतिक कार्यक्रम की आयोजन है, जो सारे कलाकार लोग पश्चिम उड़ीसा से आ रहे हैं, दो ग्रुप में आ रहे हैं। सभी जो ग्रुप के कलाकार सब है, सब मतलब नामी ग्रामी कलाकार हैं। और कल का जो कार्यक्रम होगा, एक गोपाल मैदान में एक इतिहास बनने जा रही है, जो संबलपुर संस्कृति की झलक दिखेगी पहली बार। कार्यक्रम से हमारे समाज के लोगों के बीच एक यूनिटी और एक मिलने जुलने की, और एक मतलब जो अपने जो सांस्कृतिक है, वो सांस्कृतिक को बचाने का भी हम लोग प्रयास करते हैं। जमशेदपुर में पिछले दिनों ग्रेजुएट कॉलेज में हुए मारपीट के मामले में अब AIDSO ने भी विद्यार्थी परिषद के लोगों पर प्रशासनिक कार्रवाई की मांग उठाई है। इनके द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक से इस संबंध में मांग उठाई गई है। AIDSO के द्वारा एक वार्ता आयोजित कर बताया गया कि जो विद्यार्थी परिषद के युवक एवं युवतियां उस दिन मारपीट की घटना में संलिप्त थे, उस पर प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे घटना के वीडियो को जिला प्रशासन को सौंप दिया गया है और उसमें स्पष्ट है कि विद्यार्थी परिषद के लोगों के द्वारा ही मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। इन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं पूरे देश भर में हो रही है और ये लोकतंत्र पर प्रहार है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं, जितने भी छात्र छात्राएं AVP के गुंडागर्दी करते हुए उनके खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत है, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जो छात्र इसमें हमारे महिला जो हमारे गर्ल्स हमारे साथियों के ऊपर आरोपी हैं, उन पर जो है एकदम सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग लगातार CTSP से भी आज भी हम लोगों ने मुलाकात की और हम लोग ये लगातार हम लोग इस पर कार्रवाई करने के लिए इस पर दबाव भी डाल रहे हैं, और साथ ही हम लोग जिस तरीके से लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, लगातार ये जो असुरक्षा का वातावरण, साथ में अशांति जो फैलाई जा रही है तमाम शैक्षणिक संस्थानों में, इसके लिए हम लोग ये पूरे जमशेदपुर में जितने भी बुद्धिजीवी हैं, शिक्षाविद हैं, उन सभी को लेकर के हम लोग एक सिटीज़न हम लोग कन्वेंशन करने जा रहे हैं। और वाकई में सभी को का ये रिएक्शन भी आ रहा है, प्रतिक्रिया भी आ रहा है कि जिस तरीके से लोकतंत्र का जो हनन हो रहा है, ये वाकई में गलत है। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए AMG न्यूज के साथ। अरे यार, लंच का टाइम हो गया, काम ही करते रहोगे क्या? यार एक बात बताऊं, अभी अभी एक SMS आया है जिसमें मुझे 1,00,000 रुपए का इनाम मिला है। तुम्हें शायद मालूम नहीं, आजकल हर दूसरे आदमी के पास ऐसे SMS या फोन कॉल्स आ रहे हैं जिसमें पैसों का लालच देकर उनसे उनका ATM पिन नंबर और ATM कार्ड नंबर मांगा जा रहा है। कहीं तुमसे भी ATM का पिन नंबर और ATM का कार्ड नंबर तो नहीं मांगा? मांगा है ना यार। भूल के भी मत भेजना, वरना सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट से मिनटों में उड़ा लिए जाएंगे। ऐसा? अगर आपसे भी कोई टेलीफोन, SMS या ईमेल द्वारा आपका अकाउंट नंबर, आपके ATM का पिन नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह किसी तरह की कोई भी जानकारी मांगे, तो उसे बिल्कुल ना दें, वरना आप भी ठगे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अनूठी पहल का दिखेगा असर, विकास की धारा बहेगी खेतों खलिहानों में, चौपालों पे बैठेगी सरकार, होगा ग्रामीणों का जुटान, गांवों की सुनेंगे, लेंगे सबके सुझाव, सबकी सहमति से ही होगा सबका विकास।
हरियाली की चादर पर लिखेंगे झारखंड का इतिहास। राज्य की बेहतरी के लिए सरकार ने लगाया जोर, सरकार चली गांव की ओर। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अपनी लाडलियों का भविष्य संवारें। 1 से 10 वर्ष की उम्र तक खाते खुलवाने की मिली है छूट। देर न करें, खाते खुलवाने के लिए बैंकों और डाकघरों में पधारें। 18वीं वर्ष में आपकी लाडली को मिलेगी आधी राशि निकालने की छूट। याद रखें, सरकार जमा राशि पर देगी आयकर की छूट। झारखंड के बेटियों का भविष्य बनाना है, सबको मिलजुल कर उसे आगे बढ़ाना। कोमल हाथों को समृद्धि की ताकत, सुकन्या समृद्धि योजना। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। झारखंड में महिला कांग्रेस कमेटी वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार के चुनावी वायदों की तलाश हाथों में मशाल लेकर करेंगी। इसकी शुरुआत 23 सितंबर से पूरे राज्य में की जा रही है। ये कहना है कांग्रेस महिला की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह का। विश्वपुर स्थित तिलक पुस्तकालय में महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुंजन सिंह ने वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर प्रहार किया, जिसमें कांग्रेस की कई महिला नेत्री शामिल थी। मीडिया से बात करते हुए गुंजन सिंह ने कहा कि वर्ष 2014 में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा किए गए चुनावी वायदों की तलाश महिला कांग्रेस कमेटी पूरे राज्य भर में करेगी। सभी कांग्रेसी महिलाएं हाथों में मशाल मोमबत्ती लेकर अच्छे दिन, काला धन, युवाओं के लिए रोजगार और महिलाओं की सुरक्षा की तलाश करेंगी, जिसकी शुरुआत कांग्रेस आला कमान द्वारा हवन कर 23 सितंबर से की जा रही है। वहीं एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मिशन 2019 को लेकर पूरे राज्य में महिला कांग्रेस को सशक्त किया जा रहा है। सभी कांग्रेसी महिला नेत्री शक्ति ऐप के माध्यम से घरेलू महिलाओं को जोड़ने का प्रयास कर रही है। कि वो सरकार जो अभी वर्तमान में है, उनकी विफलताएं एक चौपाला लगाकर हर प्रखंड में बताएंगी कि ये सरकार कितनी तरह से विफल है, और उनको अपने संगठन में जो शक्ति ऐप हम लोगों का है उसमें जुड़ना अति आवश्यक है, हमारी पदाधिकारियों का भी। और महिला अगर सुरक्षा चाहती हैं तो महिलाओं को आगे आना होगा। मैं आपको बताऊंगी कि मेरे तरफ से आप उसको पूरी तरह से 100% समझिए कि महिला कांग्रेस करेगी, क्योंकि मेहनत, मैं इतना विश्वास रखती हूँ कि जहाँ मेहनत है वहाँ पूर्ण रूप से आपका जो उद्देश्य है वो सफल होना है। इस पे हम विश्वास करते हैं और 100% मुझे विश्वास है अपनी झारखंड प्रदेश महिला कांग्रेस पे कि वो करके दिखाएंगी, और 2019 में महिला कांग्रेस की अहम भूमिका होगी जीत सुनिश्चित कराने में। जमशेदपुर से सटे आदितपुर के कुलुपटांगा मैदान में 2 दिवसीय जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वैसे इस टूर्नामेंट में राज्य के लगभग 20 जिलों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा शामिल हुए। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करते हुए खेल के प्रति अपनी सच्ची लगन और समर्पित होकर खेल को खेलने का संदेश दिया। वैसे ये मैच 2 दिनों तक चलेगा। वहीं इस टूर्नामेंट में अव्वल आए खिलाड़ियों को 51,000 रुपए प्रथम पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो, या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो, तो हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।